अरे मुंह पर थप्पड़ मारूंगा मैं कहते हैं। क्या कर रही है? एक बात करनी थी मैंने आपसे। बोलो बेटा क्या बात? खुदा के वास्ते अब्बा, अम्मा पे इतना जुल्म मत किया करे। सारी रात रो रही थी वो, अम्मा इतनी मजबूत नहीं है, ये सब नहीं झेल सकती, पर मेरी बात समझे, इतनी तकलीफ में। हम बहुत बड़ी हो गई हो, मेरे सामने खड़े होके मुझसे सवाल करोगी? नहीं अब्बा, मैं आपसे सवाल नहीं कर रही। मैं आपसे सवाल क्यों करूंगी? मैं तो बस आपको इतना कह रही हूँ कि पूरी जिंदगी आप जो अम्मा पे जुल्म करते आ रहे हैं ना, अब वो हद से ज्यादा हो रहा है। जब बर्दाश्त से ज्यादा हो जाता है ना जुल्म, तो एक बेजुबान जानवर बोलना शुरू हो जाता है। शर्म नहीं आ रही तुम्हें ये बात करते हुए? माफ होगा तुम्हारा, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे शोहर और तुम्हारी सास ने पट्टियां पढ़ाकर भेजा है ना कि बाप के सामने खड़े हो जाओ, है ना? पर वो मुझे क्यों कुछ कहेंगे? मेरी आंखों के सामने आप हमारे घर को आग लगा रहे हैं और हम इस आग में जल रहे हैं। को हमारी चीखों पुकार की आवाजें नहीं आ रही? हमारे एहसास जलते हुए नजर नहीं आ रहे? अब अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि मेरे सामने खड़े होके मेरे मुंह पे मुझसे सवाल करो। इस दिन के लिए बड़ा किया था मैंने तुम्हें, बेटी हो बेटी बनकर रहो। हाँ कोई बेटा होता वो मां के लिए खड़ा होता तो वो और बात थी। बहुत अच्छी बात है अब्बा, क्या आपका कोई बेटा नहीं है कि बेटियां चुप कर जाती हैं, सह लेती हैं। बेटा होता ना तो अम्मा के साथ ये सब नहीं करने देता। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया ना, मुझे पता है, ये तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें सिखाया है। बेटा ना सही, बेटियों को बाप के खिलाफ खड़ा कर दो। मुझे पता था एक मनहूस दिन आएगा जब मेरी बेटी मेरे सामने आके खड़ी हो जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है अब्बा, हमेशा आपके हुक्म के सामने बेबस रही हूँ मैं। आज तक कुछ नहीं बोला, लेकिन आज अम्मा की हालत देख के मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अब्बा मैं आज भी उतनी ही बेबस हूँ आपके सामने जितनी मैं पहले थी। आज अब्बा आपके सामने एक बेटी की हैसियत से नहीं, एक इंसान की हैसियत से बात करने आई हूँ। क्या आपको अम्मा के आंखों में आंसू नजर नहीं आते? हमारे दर्द से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? अब कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना मैंने तुम लोगों के लिए किया है ना, हाँ, और उसका जो मुझे सिला मिल रहा है, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर किया क्या है आपने अब्बा, बताएं मुझे, आखिर आपने किया क्या है? जब आपको मौका मिला तब आपने हमारी जिम्मेदारियां बड़े अब्बू के सर डाल दी। जब आपको मौका मिला तब आपने हमसे जान छुड़ाई। एक औलाद की जिम्मेदारियां पूरी करना, उससे प्यार से बात करना, उसको खाना खिलाना, उसके साथ टाइम गुजारना, उसको अच्छी सी अच्छी तालीम हासिल करवाना, उससे प्यार से बात करना, ये सब एक बाप का फर्ज होता है अब्बा। लेकिन आपने अपना फर्ज तो नहीं पूरा किया ना? तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारूंगा मैं कहते हैं। क्या कर रही है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? क्योंकि तुम होश खो बैठे हो अभीम। बेटियों पे हाथ उठाते हुए बहुत अच्छे लगते हैं क्या? तुम होते कौन हो मेरा हाथ पकड़ने वाले? मेरी बेटी है, मैं उसके मुंह पे थप्पड़ मारूं या उसे घर से बाहर निकाल कर खड़ा कर दूं? बोल रहे हैं आप कि वो मेरी बीवी भी है, और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई इस पे हाथ उठाए। आप तुम्हारे बीवी से बहनों मेरी बेटी है, और तुम से ज्यादा हल जाओ तुम्हारे, और जब मैं बोलो कि मैं तुम दोनों की शादी करवाई थी। ओके आपका फर्ज पूरा, अब ये मेरी जिम्मेदारी, और बेहतर यही होगा कि आप मेरी और मेरी जिम्मेदारी से तोड़ रहे हैं, समझ रहे? बेहतर ये होगा धमकी कराई जा रही है मुझे, धमकी दे रहे हो मुझे, हाँ? बहुत बड़े हो गए हो, अब तुम मेरे सामने खड़े हो गए, मुझसे लड़ोगे, है ना?
अगर यही आपका रवैया रहा तो ये भी मुमकिन है। और ये न, अभी एक बार आपने हाथ उठाने की कोशिश कर दी है, अगली बार सोची कभी नहीं। ये देखा आपने भाभी, ये देख रही है आप आखिर को, इसको पता है किससे बात कर रहा है? मैं एनी का बाप होने के साथ साथ इस घर का बाप हूं। बड़े हो तो बड़े बन के दिखाओ, जो तुम हरकतें कर रहे हो ना वैसे गिर रहे हो। ठीक, सब समझ में आ रहा है मुझे, सब समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है मेरे साथ, खेल तमाशा। आप लोग मेरी बेटी को मेरे खिलाफ खड़ा कर रहे हैं ताकि वो मेरे सामने खड़े होके मुझसे जबान चलाएं, ये कर रहे हैं आप लोग, मुझे सब समझ में आ रहा है। अब्बा, किसी ने मुझे आपके खिलाफ नहीं किया, आपने मजबूर किया मुझे बोलने पे। अच्छा, बस करो, बस करो।